तो वही राज्यसभा से 12 सांसदों की निलंबित पर किया गया है। ये निलंबन एक या दो दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे सत्र के लिए लगाया गया है। इसका मतलब हुआ कि ये सांसद शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में नहीं रह सकते। इसी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, ये उपराष्ट्रपति जी की मुझे लगता है कि व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, ये उन पर कुछ न किसी तरह से ट्रेजरी बेंचेस का, रूलिंग पार्टी का एक असर होगा। ये आज नहीं, हम भी जब संसद में थे, आपको याद होगा 2011-12-13 में दिन भर भारतीय जनता पार्टी के बाकी पार्टी के लोग वेल में आते रहते थे, तमाम चीज़ें होती रहती थी। कभी कभार सस्पेंशन एकाध दिन के लिए इसलिए कर दी जाती कि सुचारू रूप से चले, लेकिन लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि आप सांसदों को अलग निकालकर चर्चा में न भाग लेने दें, आने न दें। और ये मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति जी को इस बात को दोबारा से सोचना चाहिए। सर, लेकिन सरकार का भी रवैया वही है। सरकार की तरफ से पीयूष गोयल साहब सामने आए, उन्होंने कहा कि इस तरीके का डिसिप्लिन पहली बार देखा गया, जिस तरीके से मॉनसून सेशन में था वो पहले कभी नहीं हुआ। एक अपोजिशन के एमपी ने एलईडी स्क्रीन तोड़नी चाहिए, कुछ सांसदों ने ह्यूमन मार्शल्स के ऊपर अटैक किया। ये बहुत जरूरी था कि डिग्निटी मेंटेन करने के लिए हाउस की इस तरीके का एक्शन लिया। देखिए, जब मैं बता रहा हूँ ना, जब हम भी सांसद थे, खासकर 2011-12-13 में बहुत से ऐसे इंस्टेंस हुए थे जिसमें कई सांसदों ने उस तरह से डिग्निटी नहीं मेंटेन की थी। डिग्निटी मेंटेनेंस इस तरीके डिसिप्लिन से नहीं आती, आपसी चर्चा से आती है, लोगों को समय देने से आती है। आप ऑपरेशन को टाइम दीजिए, बात करिए। अब देखिए, कल प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर चर्चा के लिए तैयार है, और जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा थी फार्म बिल पर, उस पर 2 मिनट भी चर्चा नहीं होने दी। तो सरकार को ना कोई चर्चा करना चाहती है, ना हिम्मत है कोई चर्चा करने की। तो आप विपक्ष के पास सामने जो है विरोध करने के सिवाय कोई रास्ता छोड़ते ही नहीं है।